नमस्कार, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सेफ्टी जार में मैं आपको स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको ये थर्मल पावर प्लांट में यूज होने वाली बॉल मिल के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। बॉल मिल एक कोयले की उचित चूर्णीकरण के लिए बॉल का मध्यम गति से घुमाने के लिए बनाया जाता है। और ये इसको इरेक्शन करने से पहले इसको अच्छे तरह से डीजल से क्लीनिंग किया जाता है। और इसको इरेक्शन करने के लिए लिफ्टिंग प्लान का यूज होता है। लिफ्टिंग प्लान में डिसैकल्स, स्लिंग्स, क्रेन के कैपेसिटी, क्रेन के रेडियस में कितनी कैपेसिटी बनती है और कहाँ पे इरेक्शन होने जा रहा है, क्रेन के कैपेसिटी के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और इसको इरेक्शन करने से पहले एरिया को बैरिकेड किया जाता है और टैगलाइन किया जाता है और इसके बाद इरेक्शन किया जाता है और इसको ऑथोराइज्ड रिगर पर्सन ही इसको इरेक्शन करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका कार्य सिद्धि क्या होता है। जो आप देख रहे हैं ये बाउल है और इसके वर्क के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोयले के उचित चूर्ण करने के लिए ये बाउल को मध्यम गति से घुमाने के लिए बनाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो है गियरबॉक्स है, ये गियरबॉक्स दिया है, ये गियरबॉक्स के ऊपर बाउल आता है। ये आप देख सकते हैं ये बाउल है, ये बाउल है। आप देख सकते हैं ये गियर के ऊपर ये बाउल ये हुआ है। और ये बाउल जो है इरेक्शन होता है, एक लाइनर आता है, लाइनर के ऊपर ये बोल्टिंग होता है। आपको इसके अंदर पार्ट पे आपको अंदर दिखाना चाहता हूँ। देखें, देखें ये गियर बॉक्स और ये बॉल का इन पार्ट। अभी आप देख सकते हैं इसके ऊपर जेओसी लगा हुआ है, जनरल कवर। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स बता दें कौन सा इरेक्शन पहले किया जाएगा। अब ये देख सकते हैं इनर पार्ट में जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कोयले के उचित चूर्णीकरण के लिए बाउल को मध्यम गति से घुमाने के लिए बनाया जाता है। स्प्रिंग पिसने के लिए रोलर पर आवश्यक दबाव डालते हैं। कोयले की नमी को दूर करने के लिए अलावा मिल के माध्यम से गर्म हवा हल्के कोण को उठाती है और उन्हें क्लासीफायर के माध्यम से ले जाती है और आगे पिसने के लिए उच्च आकार के कोणों को छोड़ देती है। ये बाउल का वर्क होता है। थर्मल पावर प्लांट में कोल बाउल मिल का इस्तेमाल पल्वराइज के लिए यूज किया जाता है। कोयले को फाइन पार्टिकल्स में 100 माइक्रोमीटर में टुकड़ों में करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसको बर्नर पे पहुंचाने से पहले इसको तीन फंक्शन में किया जाता है। पहला फंक्शन है पल्वराइजेशन, मतलब चूर्णीकरण, उसके बाद ड्राइंग मतलब सुखाना, और उसके बाद क्लासिफिकेशन वर्गीकरण भी किया जाता है। उसके बाद कोयले को भेजा जाता है। आप इस जानकारी को अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप कृपया करके मेरे चैनल में, आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इस तरह से आपको वीडियो दिखाते रहूँगा और मैं अपना नॉलेज आपको शेयर करते रहूँगा। आप मेरे ये देखें और ये हमारा गियरबॉक्स इरेक्शन के समय में आपको ये दिखाना चाहता हूँ। और ये हाउसिंग, मिल हाउसिंग है, ये इरेक्शन हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद।